सेहतमंद पंजाब का सपना हो रहा साकार, पंजाब की सेहत को मिल रहा आकार। 13.8 करोड़ रुपए की लागत से सुधरी अस्पताल की सेहत, प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर में नहीं करनी अब मेहनत। विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता को केजरीवाल की गारंटी दी थी, जिसमें स्वास्थ्य समेत अन्य गारंटियां भी शामिल थी। मुख्यमंत्री ने पंजाब की जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि उनकी सरकार छोटी या बड़ी हर तरह की बीमारी का इलाज मुफ्त में करवाएगी। उनकी सरकार के रहते किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद अपने वादे को निभाते हुए 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर पटियाला से उन्होंने और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान ने स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी सरकार ने जनता से अपने किए वादे और दी गई गारंटी को कितना निभाया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से। स्वास्थ्य क्रांति के तहत बदली पंजाब की आबोहवा, अब पंजाब की जनता को बीमारियों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सरकार के द्वारा माता कौशल्या सरकारी अस्पताल में आईसीयू, ऑपरेशन और इमरजेंसी सुविधाओं की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। पिछले 1.5 साल में आप सरकार ने 664 आम आदमी क्लिनिक बनाए हैं। इतना ही नहीं, 550 करोड़ रुपए से 40 सरकारी अस्पतालों को विश्व स्तरीय बनाया गया है। छोटी मोटी बीमारी के लिए वातानुकूलित मोहल्ला में सारा इलाज फ्री में होता है, जिसके लिए पूरे पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम भी चल रहा है। अब प्राइवेट अस्पतालों जैसी ही सुविधाएं पंजाब के 40 सरकारी अस्पतालों में भी मिलेंगी और फ्री में मिलेंगी। अस्पताल में सारी दवाइयां, टेस्ट, बड़े से बड़ा ऑपरेशन मुफ्त में होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब नई उपलब्धियों का इतिहास रच रहा है। जब से मुख्यमंत्री मान ने पंजाब की कमान संभाली है, तब से राज्य तरक्की के नए पथ पर अग्रसर है। वहीं चुनाव से पहले किए गए अपने वादों को पूरा करते हुए और सेहतमंद पंजाब के सपने को पूरा करने की दिशा में बढ़ते हुए मान सरकार ने पटियाला से पंजाब के 19 सरकारी जिला अस्पतालों की अपग्रेडेशन की शुरुआत भी की। इससे जहां पर सरकार की तरफ से सेहतमंद पंजाब बनाने की गारंटी की शुरुआत हुई, वहीं लोगों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद भी दोगुनी हो गई। आइए जनता से ही सुनते हैं कि उन्हें पंजाब की सेहत सुविधा से कितनी राहत मिली है और पहले की तुलना में क्या कुछ बदलाव उन्हें देखने को मिले हैं। हॉस्पिटल के बारे में तो जिक्र हमने कर लिया, पर क्या हॉस्पिटल अच्छे से काम कर रहा है, ये तो सिर्फ पेशेंट्स ही बता सकते हैं। आइए उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे रिस्पॉन्स है। नमस्कार माता जी। नमस्ते। ये फ़र्क दिख रहा है पहली सरकारों में जब ये हॉस्पिटल था और अब की सरकार में ये हॉस्पिटल जो बन के तैयार, फ़र्क दिखा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत फ़र्क है जी। केयर भी ज़्यादा करते हैं जी, तो दवाइयाँ भी देंदे हैं सारी, नहीं तो पहला दिक्कत गोली लिख देंदे सी, बाजारों लेनी पैंदी सीगी, मतलब हुण देंदे हैगे सारा कुछ। दवाइयाँ टेस्ट फ्री हो गए हैं, बताएं कि सरकार ने एक पहल की थी कि यहाँ पे जो आएंगे दवाइयाँ और टेस्ट फ्री हैं, मतलब फ़र्क दिखा आपको? मतलब बेड बुड नए आ गए, पहले होता था कि पेंट हो जाता था, अंदर सामान हो जाता था, पुराना सामान सेगा, हूँ सारा सामान नवा हैगा जी, बेड बुड भी अच्छा हैगा, वधिया हैगा, कह सकते हैं। अब पहले प्राइवेट भागना पड़ता, अब तो चाहें कि अपने सरकारी हॉस्पिटल इतने अच्छे हैं, प्राइवेट को भूल जाएंगे। प्राइवेट नहीं जाएंगे, प्राइवेट क्यों जाएंगे, जब सरकारी में इतनी केयर होगी तो प्राइवेट थोड़ी जाएंगे। वो ये कि इतने से ही कमरे का, इतना सही सब कुछ करने के, वो हजारों हजारों का बिल बन जाता था, यहाँ पे वो मुफ्त में बहुत लेंदे हैं, होता पैसा वो तो हजारों देंगे, लखन रुपये ले लेंदे हैं। और इन्हों का मैं हूँ कल दी आई पी है, मतलब मैंने लूज मोशन सीगे, मतलब पहले मैंने प्राइवेट इलाज करवाया, उन्हें आराम आया, फिर मैंने रात इतने आई हूँ, हूँ मैं आराम है। मतलब प्राइवेट में आराम नहीं मिला, यहाँ सरकारी में आके इतनी अच्छी सुविधा? हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर कैसे थे, डॉक्टर मिल गया आया टाइम पे, कि इंतजार तो नहीं करना? नहीं 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 नहीं, इंतजार नहीं, अपने आप ही आते सीगे। अच्छा। बुलाना नहीं पैंदा है। अच्छा, मतलब वो ये कि पहले जब खजवल के कोई रिश्तेदार जाता कि डॉक्टर साहब देख लो मेरी माता है, बुला रहे हैं, बस इन्ना कहंदे सी वे ड्रिप जिवें चढ़ गई खत्म हो गई, वही कहंदे सी वे चेंज कर दो, कर देंदे सी बस। मतलब ये टाइम टू टाइम पूरी केयर हो रही है, टाइम टू टाइम आपसे पूछा जा रहा है? हां जी, हां जी, हां जी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक प्रॉमिस किया गया था जब पंजाब में इलेक्शंस का दौर चल रहा था, तब उनकी तरफ से सेहत को लेकर एक गारंटी दी गई थी। उन्होंने कहा था, मैं वादा नहीं करता, मैं एक गारंटी देके जाता हूं कि अगर पंजाब में आम आदमी की सरकार बनती है तो जो भी हमने आपको वादे किए हैं वो पूरे होंगे। और उनमें से एक वादा था पंजाब में सेहत क्रांति लाने का, और वही चीज़ अब पूरी होते हुए नज़र आ रही है कि अभी हम पटियाला के माता कौशल्या हॉस्पिटल में खड़े हैं जहाँ पर एक नया 66 बेड्स का हम कह सकते हैं ICU, NICU, CCU, अलग अलग जो इम्पोर्टेंट वार्ड्स हैं वो सब दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ जारी की गई हैं। अभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ICUs, जो आपको बड़े बड़े ICUs जो आपको सिर्फ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में देखने मिलते थे, अब आपके पटियाला स्थित माता कौशल्या हॉस्पिटल में भी देखने वाले। आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट इक्विपमेंट से लैस हम कह सकते हैं कि हैमिल्टन के जो वर्ल्ड क्लास वेंटिलेटर्स हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। इसी के साथ ही फिलिप्स के हार्ट रेट मॉनिटर्स और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं जो यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ICU और एक HDU, ये एक स्पेसिफिक वार्ड है। इस वार्ड की अभी हम कह सकते हैं कि 2 तारीख को शुरुआत हुई थी, पर उसके बाद से अभी तक पेशेंट्स की अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। डॉक्टर से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये वार्ड्स रेडी हैं, ये इक्विपमेंट्स रेडी हैं, और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अब हमारे पास ये फैसिलिटीज़ हैं। क्योंकि उनके तौर पर कहना था कि डॉक्टर्स चाहते हैं अपने पेशेंट्स की मदद करना, पर कई बार हमारे पास ना इक्विपमेंट्स होते हैं ना हमारे पास वो फैसिलिटीज़ होती हैं, या कई बार हमें कोई ना कोई कमी मार जाती है जिसके लिए हमें अपने पेशेंट्स को जिन्हें हम पूरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं रेफ़र करना पड़ता था। और धीरे धीरे इस कारण से हम कह सकते हैं कि एक शब्द बनता जा रहा था कि पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वो रेफ़र हॉस्पिटल्स बन रहे थे, पर वही एक मान्यता अब मान सरकार ख़त्म करने लगी है। पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, एक बड़ा एग्जाम्पल माता कौशल्या हॉस्पिटल का आज किया देखने को हमें मिल रहा है, जहाँ इस हॉस्पिटल को अब अपग्रेड कर दिया गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब पेशेंट्स को प्रॉपर टाइम मिल रहा है, डॉक्टर्स मिल रहे हैं, इलाज एक एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और वो एक हर एक फैसिलिटी जो एक अच्छे प्राइवेट महंगे हॉस्पिटल में देखने को मिल रही है वो अब यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो एक प्रॉमिस किया गया था कि लोगों के पास ऑप्शन होगा, कि लोगों को एक प्रॉमिस था कि वो इलाज अपनी मर्ज़ी से, जिन्होंने प्राइवेट में इलाज कराना है वो प्राइवेट में जाके इलाज करा सकते हैं, जिन्होंने सरकारी में आके इलाज कराना है वो सरकारी में आके इलाज करा सकते हैं। लोगों को घबराना नहीं होगा, लोगों को दुविधा में नहीं होगा, क्योंकि अब हालत ये होगी कि दोनों ही जगह, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल हो, दोनों में ही फैसिलिटीज़ ऐसी होंगी कि उन्हें लगेगा कि वो दोनों में से किसी में भी चले जाएं इलाज बराबर का ही देखने को मिले। और वही चीज़ अब एक एक करके यहाँ पे हमें देखने को मिले। 550 करोड़ की लागत, ये फर्स्ट फेज में हम कह सकते हैं कि शुरुआत की गई है। 550 करोड़ की लागत के साथ पंजाब के 40 हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया जा रहा है। जी हाँ, 40 हॉस्पिटल्स को इस तरीके के ICUs, NICUs, हर एक चीज़ देखने को मिलेगी। हम इमरजेंसी वार्ड्स की बात करते हैं, वो एक छोटी छोटी फैसिलिटीज़ जो कहीं ना कहीं मिसिंग रह जाती है। अगर हम कहें कि अब क्योंकि हॉस्पिटल का अपना खुद का ICU, एक इंटेंस केयर यूनिट है, तो जहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से ध्यान रखने से होता है, वो एक हर एक फैसिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वही चीज़ आप देख सकते हैं, लोगों को रिस्पॉन्स भी वही मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहले जो हम सीधे तौर पर कह सकते थे कि लिमिटेड काउंट रह जाते थे, कि लोग वही आते थे जो अपने इलाज नहीं करा सकते, प्राइवेट ले जा नहीं सकते, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग, हर तबके के लोग इधर आना शुरू हो चुके हैं। हॉस्पिटल को खुले हुए थोड़ा समय ही हुआ है, पर रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं कि हर कोई यहाँ पे आ रहा है और एक अच्छी सुविधा लेके, एक अच्छे माइंडसेट लेके, कि हर कोई यहाँ पे खुश नज़र आ रहा है कि उन्हें पता है कि अब पंजाब के हॉस्पिटल्स एक रेफर हॉस्पिटल नहीं रह गए। यहाँ पे वो हर एक फैसिलिटी जो किसी भी चंडीगढ़ के या फिर हम कहें बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में देखने को मिलती, वो अब हमें पंजाब के अपने ज़िले में खड़े हॉस्पिटल्स में देखने को मिलेगी।